नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका जेन इनोवेशंस में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत ही खास है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपकी जो घर पे इस तरह की अर्थिंग होती है, जो आपके सॉकेट में लगी हुई होती है, उसको किस तरह से चेक करना है। तो चेक करने के लिए सबसे पहले हमें लगेगा कुछ इस तरह का मल्टीमीटर, क्लैंप मीटर हो सकता है, नॉर्मल जो डिजिटल मल्टीमीटर आता है वो हो सकता है। हमें जो है सिर्फ एसी वोल्टेज चेक करना है, तो जरूरी नहीं कि आपके पास में क्लैंप भी रहे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो सॉकेट होते हैं हमारे, इसका पिन आउट कैसा होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो ऊपर का जो सबसे ऊपर का जो टर्मिनल है, ये हमारा अर्थिंग का टर्मिनल है, और यहाँ के जो दोनों टर्मिनल होते हैं जो हमारे राइट हैंड पे होते हैं, ये वाले, ये दोनों जो होते हैं ये हमारा फेज होता है, या फिर जो हम कह सकते हैं पॉजिटिव होता है। और यहाँ के जो है लेफ्ट हैंड की तरफ जो दोनों भी टर्मिनल्स होते हैं, ये होते हैं हमारे न्यूट्रल, या फिर जो नेगेटिव कहते हैं वो होता है। तो ऊपर अर्थिंग है सबसे बड़े वाला, ठीक है। इसका डिजाइन इस तरह से क्यों किया जाता है मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको। अर्थिंग का जो प्रोब होता है वो भी थोड़ा सा लंबा होता है कंपेयर टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कमेंट में बताइए मुझे कि आपको अगर इसके बारे में जानकारी होगी तो क्यों है, लेट्स सी। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो मल्टीमीटर है उसको हम एसी वोल्टेज पे सेट कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे जो है ये एसी का सिंबल आ गया है और वोल्टेज बता रहा है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मली जैसे हम वोल्टेज चेक करते हैं उस तरह से इस सॉकेट का वोल्टेज चेक करेंगे। तो हमारा जो रेड प्लग है पॉजिटिव वाला, वो यहाँ पे जाएगा राइट साइड में कुछ इस तरह से, और हमारा जो नेगेटिव प्रोब है वो यहाँ पे जाएगा नेगेटिव साइड में। ऊपर नीचे कहीं पे भी डाल सकते हैं, ये जो दोनों होते हैं ये ऊपर और नीचे वाला, ये पैरेलल ही होता है, तो आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से इसको डाल सकते हैं। जहां पे ये अच्छे से बैठे वहां पे डाल दीजिए, ठीक है। दोस्तों प्रोब्स मैंने लगा दिए हैं और अभी हम बटन को ऑन कर देंगे और एक रीडिंग हमारे मल्टीमीटर पे आ जाएगा। ये देखिए, ये जो है 215-216 वोल्ट के आसपास हमें बता रहा है। और वैसे ये जो आउटपुट है इसका, ये यूटीएल गामा प्लस का है, तो मैं आपको बता दूं इसका आउटपुट की जो क्वालिटी है। ये देखिए, इसका फ्रीक्वेंसी भी लगभग 50 हर्ट्ज के पास में है, ड्यूटी साइकिल 50% इसने मेंटेन किया है, और ये इसका वोल्टेज है। वैसे यूटीएल गामा प्लस पे मैंने काफी सारे वीडियोस पहले ही बना रखे हैं, आपको सोलर एनर्जी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया, हमने जो है हमारे जो है सॉकेट का वोल्टेज चेक कर लिया। अभी हमें इसका अर्थिंग चेक करना है। तो अर्थिंग चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा नेगेटिव का प्रोब है ये वाला ब्लैक वाला, इसको नेगेटिव से हटा के हम इसको सिंपली हमारे जो अर्थिंग का जो टर्मिनल है वहां पे इसको डाल देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो अर्थिंग में ये लगाने के बाद में आपको आपका मीटर देखना है, और इंटरेस्टिंगली यहां पे आप देख सकते हैं कि जो रीडिंग है हमारा लगभग 216 वोल्ट उतना ही आया, लेकिन हमारी जो वायरिंग लगी हुई है वो एक फेज में है और एक अर्थिंग में है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो अर्थिंग है घर का ये अच्छा है, और नेगेटिव के बिना मतलब न्यूट्रल दिए बिना हमने जो है अर्थ यूज किया है, फिर भी इसने इतना अच्छा जो है वोल्टेज मेंटेन किया है। तो इसको हम कह सकते हैं कि अच्छा अर्थिंग हमारे घर पे है। एक और टेस्ट आप कर सकते हैं दोस्तों इसमें, कि जो अर्थिंग है, अर्थिंग और न्यूट्रल, इसके बीच में हम चेक करेंगे कि इसमें कोई लीकेज वोल्टेज है क्या। तो मैंने जो पॉजिटिव प्रोब है इसका, उसको यहां पे डाल दिया जहां पे हमारा न्यूट्रल था, और अर्थिंग में एक प्रोब लगा हुआ है। दोस्तों मल्टीमीटर में आप प्रोब उल्टा लगा देते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं होता। क्या होगा कि यहां पे एक माइनस का साइन आ जाएगा लेकिन रीडिंग मिल जाती है आपको, ठीक है। तो उल्टा लगाने में कोई दिक्कत होता नहीं है, एटलीस्ट अच्छे मल्टीमीटर्स में तो कभी मैंने दिक्कत देखी नहीं है। और यहां पे देख लीजिए दोस्तों, तो प्रोब जो है हमारा एक अर्थिंग में लगा हुआ है और एक न्यूट्रल में लगा हुआ है, या फिर जो नेगेटिव कहते हैं आप, न्यूट्रल कहते हैं, उसमें लगा हुआ है। और जो मीटर है बिल्कुल ना के बराबर रीडिंग हमें बता रहा है, और इसका मतलब ये है कि हमारा जो है अर्थिंग अच्छा है, और खास करके ये बताता है कि हमारे जो डिवाइसेस लगे हुए हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है, कोई लीकेज वोल्टेज इसमें नहीं है। अगर आपके घर में कोई ऐसा फॉल्टी डिवाइस होगा तो यहाँ पे जो है रीडिंग आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये रीडिंग अगर आपको बहुत ज्यादा दिखता है बिटवीन द अर्थ एंड द न्यूट्रल, तो फिर आपको आपके घर के जो है डिवाइसेस चेक करने चाहिए और अर्थिंग भी चेक करना चाहिए। ये छोटा सा वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। Have a nice day, guys.